लोगों को, ईमानदार लोगों को अपने मंत्रिमंडल में लाना चाहते हैं और उनको मौका मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ईमानदार अच्छी डिलीवरी देने वाले, रात दिन काम करने वाले लोग मंत्री बने, न कि जनता के पैसे पे मौज मस्ती करना, घोटाले करना, तबादलों में पैसा बनाना और बगाड़ियों लेके रौब गांठना, ये मंत्रियों का काम नहीं होना चाहिए। और मुख्यमंत्री ऐसी ही सादगी के साथ सरकार चलाना चाहते हैं कि जो ईमानदार सभी के लोग हों उनके मंत्रिमंडल में रहें, सादगी से रहें, ईमानदारी से रहें। जी बिल्कुल वीरेन जी, कहीं ना कहीं जो ये तमाम चीजें हो रही हैं उससे जनता के बीच में भी वीरेन जी एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है, आने वाले समय में उपचुनाव है, 2022 भी है, उसी के तहत हर रणनीति के तहत योगी सरकार काफी सोच समझ कर कदम उठाती है वीरेन जी। बिल्कुल, देखिए सोच समझ कर कदम उठाने के साथ साथ सरकार की कोशिश यह है कि जनता के दिल में जगह बनाई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की जो साख है वो एकदम ईमानदार और पारदर्शी और दृढ़ निश्चयी नेता की है। अब अगर उनके मंत्रिमंडल में कोई दागी छवि का आदमी है जिसके ऊपर आरोप है, अगर वो बच जाता है तो सरकार की किरकिरी होती है। अभी आप देखिए, दो आईपीएस अधिकारियों को उन्होंने इसी महीने निलंबित किया, बुलंद पैर और प्रयागराज के शस्त्री को, तो समझौता कहीं नहीं हो रहा है। राजनीतिक मजबूरियां कुछ होती है जिनकी वजह से लोगों को ढोया जाता है, मुख्यमंत्री ने इनको ढोया कुछ दिन इन लोगों को, अब मुख्यमंत्री ने शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी लेकर अब इन लोगों को इस्तीफे लिए हैं, अभी कुछ और इस्तीफे आएंगे इनकी, क्योंकि जैसे स्वास्थ्य विभाग में या स्टाम्प रजिस्ट्रेशन विभाग में 300 ज्यादा तबादले हुए थे जिन्हें मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया, जांच बैठाई, अब ऐसे लोग मंत्री अगर रहेंगे तो आश्चर्य होगा। तो फिलहाल अभी और इस्तीफे सामने आने वाले हैं, 5 मंत्रियों के इस्तीफे उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, भारत समाचार पर ये पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए क्लियर कट जानकारी है कि ऑपरेशन क्लीन सरकार का शुरू हो चुका है योगी आदित्यनाथ का, और ये सफाई कल 11 बजे तक पूरी कर ली जाएगी। जी बिल्कुल वीरेन जी, निश्चित तौर पर बहुत अहम और बहुत बड़ी जानकारी आप देते हुए जिस प्रकार से ये तमाम चीजें हुई है, और कहीं ना कहीं वीरेन जी ये तमाम चीजें जो है, ये जो तमाम कवायद है, कहीं ना कहीं एक मैसेज बाकी मंत्रियों के लिए भी तो है कि आप अच्छा काम करेंगे तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो छुट्टी मिलते आपको देर नहीं लगेगी। देखिए, ये बीजेपी ने एक नए तरह का इतिहास बनाया है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाया है। अभी तक इतनी हिम्मत नहीं होती थी किसी मुख्यमंत्री में कि वो एक साथ इतने लोगों को बर्खास्त कर दे या एक साथ उनसे इस्तीफा ले ले। तो ये मैसेज तो और मंत्रियों के लिए बाकी क्लियर है कि जो व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होगा, उसके विभाग से भ्रष्टाचार की शिकायतें आएंगी, तो उसको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश की सेवा में लगे हैं। जी, तो जो मुख्यमंत्री रात दिन ईमानदारी के साथ जनता के काम में अपना समय लगाता हो, अगर उसके मंत्री कोई इस तरह का काम करेंगे तो उनको अब डरना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई नहीं है कि किसी को कोई चेक नहीं कर रहा है, हर जगह सरकार की निगहबानी है, निगरानी है। अब बेईमानी और भ्रष्टाचार से लंबे समय तक कोई मंत्रालय में टिक नहीं पाएगा, और बाकी मंत्रियों के लिए सबक है। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है अब उन्हें भी इनाम देना होगा, और उनके साथ अन्याय ना हो ये भी मुख्यमंत्री को देखना होगा। जी बिल्कुल, काफी अहम बातें कही है वीरेन जी आपने, बने रहिए आप हमारे साथ। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। संजय, देखिए जिस प्रकार से हमारे ब्यूरो चीफ से भी बातचीत हो रही थी, मतलब साफ है कि बीजेपी ने एक नई रणनीति शुरू की, और ये साफ कर दिया है कि जो काम करेगा वो मंत्रिमंडल में शामिल रहेगा, जो नहीं काम करेगा उसकी टाटा बाय बाय निश्चित है। सरकारों की बात करें तो जाति समीकरण के चलते जो मुख्यमंत्री थे, चाहे अखिलेश यादव रहे हो या मायावती, किसी भी मंत्रिमंडल के मंत्री को बर्खास्त करना या उनसे इस्तीफा लेना हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन यूपी की बीजेपी की योगी सरकार साफ तौर पे एक ही एजेंडा लेके चल रही है कि जो मंत्री जनता की सेवा करेगा, जनता के साथ मिलकर काम करेगा और भ्रष्टाचार का किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा, उसी मंत्री को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, उसे ही आगे कंटिन्यू किया जाएगा। वरना इस तरीके से ये इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है रूबी, वो लगातार आप देख रहे हैं कि जिनके पर ज्यादा आरोप रहे हैं उनको हटाया गया है, एक व्यक्ति को छोड़कर वो स्वास्थ्य कारणों की वजह से, बाकी लोगों पर कहीं ना कहीं आरोप आए हो, चाहे स्वाति सिंह रही हो और चाहे अनुपमा जायसवाल रही हो, उनके बारे में सवाल उठे हैं और यही वजह है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। संजय, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला साहब भी जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत समाचार पर। बीजेपी ने बड़े निर्णय किए हैं सर, और कहीं ना कहीं जो ये इस्तीफा
तारीफों की जबरदस्त होड़ सी लग गई है, बिल्कुल फुल फॉर्म में यूपी सरकार। चलिए हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत की भी कोशिश करेंगे, तो विस्तार की ये घड़ी है। और तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं लगातार, हमने आपको दिखाया और बताया भी कि देखिए जिस प्रकार से कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उससे पहले ये इस्तीफों का दौर चल रहा है। और लगातार हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार विजय शुक्ला साहब जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत समाचार पर। एक के बाद एक ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, योगी सरकार बिल्कुल फुल फॉर्म में मंत्रिपरिषद के विस्तार से पहले। सर लगभग आधा समय गुजर चुका है अब, और इसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है इसके बाद कोई विस्तार की संभावना नहीं है जी। तो उन तमाम लोगों पर जिनको मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे या जिन पर कुछ आरोप थे उनको हटाने का एक सिलसिला शुरू हुआ है जी। जैसे मैं आपको बताऊं राजेश अग्रवाल जो है वैसे उन्होंने उम्र का वो किया है लेकिन उनको लेके काफी विवाद चल रहे थे। मुकुल बिहारी वर्मा उन पर आरोप ये था कि वो जानबूझ कर चुनाव हारे जिससे उनका मंत्री पद बना रहे, ये शिकायत प्रधानमंत्री तक गई थी। अनुपमा जायसवाल उनकी उन पर बड़ी शिकायतें थी, शिकायतें ये थी कि वो आपने देखा होगा मोजे से लेके जूते तक कुछ कोई भी आपूर्ति नहीं हो पाई प्राइमरी विद्यालयों में जी, इस तरह के तमाम आरोप रहे हैं। और मुख्यमंत्री चाहते हैं किसी तरह कि अपने ढंग से वो मंत्रिमंडल का गठन करे, उस पर उन्होंने जी और कहीं ना कहीं ब्रिजेश जी वहां से राय लेने के बाद हो रहे हैं जी जी। और कहीं ना कहीं सर आज जो फैसला लिया गया है उसके बाद ये तो तय है, योगी सरकार ने ये कह दिया है भाई काम करना है तो कीजिए वरना मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिलेगी और प्रमोशन भी मिलेगा और इस्तीफे भी होंगे। हाँ ये एक आप देखिए केवल योगी सरकार का नहीं ये कार्यशैली है मोदी की जो लोग नहीं कहा, आप कई आधा दर्जन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लोग बाकायदे इस बार इनका नाम नहीं लिया गया यूपी से ही और वो पहले मंत्री थे दिल्ली में, यही स्थिति यहाँ की है। तो वो बदलाव जी तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश शुक्ला, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए थे और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से हमारे साथ। देखिए ब्रिजेश शुक्ला से भी बात हो रही थी संजय, उनका ये साफ कहना है कि देखिए जो काम करेगा उनके लिए जगह, और कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी तो मैसेज क्लियर जाना चाहिए ना कि भाई हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका विकास हो, जो विस्तार में रोड़ा बनेगा उसको हटा रहे हैं हम। बिल्कुल 14 साल बाद सरकार बीजेपी की बनी और तो कहीं ना कहीं चाहे मायावती का कार्यकाल रहा हो, सीबीआई की तमाम घोटालों की जांच चल रही है, अखिलेश सरकार पर भी घोटालों के तमाम आरोप लगे उनके भी सीबीआई की जांच चल रही है, तो योगी सरकार कतई भी किसी भी जो है अपनी सरकार पर किसी भी तरह का कोई छवि दाग जो है वो नहीं लगने देना चाहती थी। और यही वजह है कि अगर उनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं कि उनके मंत्री लगातार खाऊ कमाऊ नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी को जिन घोटालों के दम पर घोटालों के नाम पर बीजेपी को यूपी की गवर्नमेंट ने प्रचंड बहुमत दिया, 325 सीटों का मैंडेट दिया, तो अब उसको खत्म करने के नहीं चाह रही थी बीजेपी सरकार। और यही वजह है कि उससे जीरो टॉलरेंस की स्कीम पहले शपथ लेने के साथ ही लागू करने की बात कही थी और उसका सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार के पहले जो इस्तीफे लिए जा रहे हैं जो देखने को मिल रहे हैं वो उसका सीधा असर है कि मुख्यमंत्री सीधे तौर पर ईमानदार छवि है और साफ सुथरे अपने मंत्रिमंडल के लोगों को भी वो चाहते हैं। इन तमाम मंत्रियों के ऊपर आरोप थे कि इनके भाई इनके घर के तमाम सदस्य कहीं ना कहीं खाओ कमाओ नीति पे मतलब मिले जुले हुए थे और लगातार ये जो टेंडर्स के जो खेल थे वो चल रहे थे। खुशबू जी बिल्कुल कहीं ना कहीं संजय इसलिए शायद इतना बड़ा फैसला लिया गया। और सबसे बड़ी चीज संजय ये है कि जब आपको मैंडेट मिला होता है और आपके पास जज्बा होता है कुछ करने का तो आप बड़े बड़े फैसले भी ऐसे ले लेते हैं जैसे कोई फैसला हुआ ही नहीं है। बिल्कुल बहुत बड़ा मैंडेट है बीजेपी के पास, योगी सरकार के पास 325 मेंबर हैं, अगर इस तरीके के फैसले लेने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि किसी के साथ गठबंधन की सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो कड़े फैसले और बड़े फैसले लेने में योगी सरकार को और योगी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। और इसके लिए सीधे तौर पर जो उच्च नेता है बीजेपी के जो चाहे संघ हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बड़े जो नेता हैं उनसे दिल्ली में उन्होंने बाकायदे चर्चा की थी, बाकायदे बात की थी
मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद उन्होंने बड़े फैसले लेने का जो आज दिख रहा है, जो बड़े फैसले उसका असर दिख रहा है कि बीजेपी की चाहे प्रदेश की सरकार हो खुशबू या फिर केंद्र की सरकार, ये सभी किसी भी प्रकार का कोई घोटाला या घोटालेबाज मंत्री या दागदार छवि के लोगों को नहीं रखना चाहती है, उसी का असर दिख रहा है कि अब जो नया मंत्रिमंडल आने वाला है वो साफ सुथरा दिखेगा और किसी भी प्रकार का उनके ऊपर कोई मतलब दाग नहीं होगा, कोई छवि उनकी खराब नहीं होगी, तो साफ और नीट एंड क्लीन की जो छवि है योगी आदित्यनाथ की उसे पूरी तरीके से मेंटेन करने का प्रयास किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए विस्तार की घड़ी है और इसलिए इस्टीफो की झड़ी लग गई है। नजर भारत समाचार की बनी हुई, रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए भारत समाचार।